मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने गोलगप्पे का पानी बनाया था, आज हम गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे का पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रखने के बाद पानी उठ जाता है, तो आप देखिए पानी कितना अच्छा हमारा ये उठ गया है। तो इस तरीके से एक दिन पहले आप भी गोलगप्पे का पानी बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छा ये पानी बनके तैयार होता है। तो चलिए आज बनाते हैं गोलगप्पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आता है तो जो भी आपके नियर एंड डियर है जिन्हें गोलगप्पे पसंद है, आप खुद बनाइएगा, खाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन के समय पे, यानी कि जो हमारा ये शुरू हो गया है लॉकडाउन 4, इसमें जो है गोलगप्पे कोई भी मिस ना करे। तो इसके लिए हमने लेना है आटे के गोलगप्पे, हम बना रहे हैं तो बराबर इक्वल प्रोपोर्शन में हमने लेना है सूजी और आटा। तो मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, इसी में जाएगा एक कटोरी आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसके हम घर में रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। मैदा नहीं लेना है, आटा ही लेना है और इक्वल प्रिपोर्शन में। जब भी आप आटा गूंथते हैं तो नीचे कोई इस तरीके से क्लॉथ वगैरह रख लीजिए, जिससे कि जो ये बर्तन है इधर उधर भागेगा नहीं। हमने इसे करना है मिक्स। आटे और सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने लेना है गर्म पानी। हम इसमें ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, पानी को गर्म करके लेंगे। मैंने ये पानी गर्म ले लिया और गर्म गर्म पानी ही डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे। हमें इसका एक सख्त आटा लगाना है, ये नहीं है कि हम सूजी डाली है हमने इसको पतला लगाना है, बिल्कुल पतला नहीं लगाना है। ये फर्स्ट टिप है जो कि आपने ध्यान रखना है। आटा जो है वो काफ़ी सख्त, हम जैसा पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा लगाएंगे। पानी गर्म है तो मैं इसे स्पून से ही चला रही हूँ। बिल्कुल सख्त आटा लगाना है, जैसा कि पूड़ी के लिए लगाते हैं। इसे ये मेन ध्यान रखना आपने, इसको पतला बिल्कुल नहीं करना कि कहीं सूजी फूलेगी, ये इस तरह के डाउट्स माइंड में क्रिएट नहीं कीजिएगा। आप देखिए, अगर आप छुके देख पाएंगे, आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी सख्त आटा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पूड़ी के लिए लगाते हैं। तो इसे हम रख देंगे, ज़्यादा हमें बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि अब ये आटा नहीं रहा है पूरा, इसमें हमने पानी को मिक्स कर लिया है अच्छे से, तो आप इसे ढक के कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे और 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया होगा। अब हम आगे का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कितना सख्त ये आटा है। अब इस पे हम डालेंगे एक चम्मच घी। ज़्यादा घी हमने नहीं डालना है, घी, रिफाइंड कुकिंग ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमने मेन जो काम है वो करना है। अब हमें इसे गूंथ गूंथ के पतला करना है, यानी कि हम इसे करेंगे लचीला। उसके लिए हम करेंगे आटे को नी, कुछ देर हमने आटे को इस तरीके से खींचना है। दस मिनट तक हमने इस आटे को इसी तरीके से नी करना है। आप देख रहे होंगे इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको नी करता हुआ देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं इसे खुद ही बना के खा लूं। तो हमें इसे अच्छे से नी करना है। आटा अगर जितना अच्छा लगा हुआ होगा उतने अच्छे आपके गोलगप्पे बनेंगे। अब इस गोलगप्पे बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हमने एक बड़ा पेड़ा लेना है और उसे बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ऑयल लगा के हम इसे बेलेंगे।
इस तरीके से उठा के जब आप पटकेंगे आपको मोटाई का आइडिया लगता रहेगा कि अभी हमारी ये जो रोटी है ये कितनी मोटी है। एक बार बेलने के बाद आप कोई भी कुकी कटर या इस तरह के कोई भी छोटा बर्तन आपके पास हो तो उससे आप इसे कट कर लेंगे। आटे को आप ढक के रखेंगे, इसे आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, और जो आटा हमने साइड से निकाला है उसे हाथ से फिर से नी करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी दरार कोई भी क्रैक्स ना हो। ऑयल को हम कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देंगे। आप ये देखिए, ना तो ये ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। इस तरह के हमने गोलगप्पे तैयार करने हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इस तरीके से कटर से कटिंग करके आप गोलगप्पे बना लीजिए। सेकंड वे है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गोलगप्पे वाले अप्लाई करते हैं, वैसे तो मशीनों में भी आजकल गोलगप्पे कटिंग हो रही है, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है हाथ से गोलगप्पे बनाने का, उसके लिए आटे को हमने इस तरीके से करके छोटे छोटे पेड़ियाँ बनानी है। ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, लगता है बहुत मेहनत का काम है, बट ऐसा है नहीं। जब हम करने बैठते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। और हमने इस तरीके से पेड़ियाँ बनानी है। पेड़ियाँ बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसे ढक के रखेंगे। इस तरीके से ओपन नहीं रखना है क्योंकि ये थोड़ी सी है, तो मैं ओपन रख रही हूँ, बट आप जब बनाएंगे तो इसे ढक के रखना है। तो इसे हमने एक बार इस तरीके से बेलना है और दूसरी बार इस तरीके से। ये जो गोलगप्पा है दो और तीन बेलन में हमने तैयार करना है। एक बेलन ऐसे लंबाई में जाएगा, सेकंड टर्न करके हम इस तरीके से बनाएंगे और एक हम शेप देंगे बस। तो इस प्रकार से हमने सारे गोलगप्पे तैयार कर लेने हैं। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं। हमने एक गोलगप्पा इसमें डाला है, ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसमें गोलगप्पों को डाल देंगे। अब यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि गोलगप्पा कौन सा फूलेगा कौन सा नहीं फूलेगा। फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो एक दो गोलगप्पे डाल के चेक कर लीजिएगा कि मोटाई सही है या नहीं है। माइंड में बाजार वाले गोलगप्पे को ध्यान में रख के आपने मोटाई चेक करनी है, ना ही तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब जो बेलने में रहेगा मोटा वो परफेक्ट नहीं लगेगा और जो पतला रहेगा वो पापड़ी बन जाएगी। और जो भी गोलगप्पे बनाते हैं गोलगप्पे वालों का रेशियो जो रहता है 80-90 के आसपास गोलगप्पे तैयार होते हैं और 10-20% पापड़ी भी साथ में बनती है। तो ये मत रहिएगा कि ये सारे नहीं फूले क्यों नहीं फूले। अगर कुछ नहीं फूलते हैं तो जो पापड़ी चाट बनती है उसके लिए एज ए पापड़ी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे, ना तो हमने फ्लेम को हाई करना है ना ही हमने लो करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये हाफ फ्राई यानी कि वाइट रहेंगे तभी हम इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ लिया इस तरह की एक चलनी, इस पर रखा है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल जाए। ये गोलगप्पे अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस आगे करना ज़रूरी है। अभी हम थोड़ी फ्लेम को हाई करेंगे क्योंकि अभी ये फ्लेम थोड़ी मुझे कम लग रही है। गोलगप्पे जो हैं वो अभी हमारे तैयार नहीं हुए हैं। वीडियो को आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप चाहे इसे हाई फ्लेम पे तलें या लो फ्लेम पे तलें, मीडियम फ्लेम पे तलें, अगर आप इसे और ब्राउन करेंगे तभी भी ये पूड़ी ही बनेगी, पकली आपके जो है गोलगप्पे बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसके लिए जो सेकंड प्रोसीजर है वो करना बहुत ज़रूरी है। हमने इस तरीके से गोलगप्पों को तल तल के निकाल लेना है। सारे गोलगप्पे हम इसी तरीके से तल के निकाल लेंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई में गोलगप्पे डालने के बाद हमें तब तक नहीं छेड़ना जब तक वो फूल ना जाए। हमने ये सारी पानीपुरी की पूड़ियाँ तल ली हैं। अब आप देख रहे होंगे तो ये पूरी आपको देखने पे क्रिस्पी लग रही है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो ये आराम क्रिस्पी लगेगी आपको तोड़ने में, लेकिन इसे आप अगर रखेंगे तो थोड़े टाइम बाद ही ये पूड़ी बन जाएगी। कुछ ये पूड़ियाँ लगेंगी कुछ ये क्रिस्पी लगेंगी, तो रिजल्ट जो है वो सो सो रहेगा। अब
दूसरी चीज आपने नोटिस किया होगा, इसका जो कलर है और बाजार में जो हम पानी पूरी खाते हैं उसके कलर में बहुत डिफरेंस रहता है। हम जितना भी डार्क कर लें वो चीज नहीं आ पाती है। तो आपने जब मार्केट में कभी पकोड़े वगैरह तलते हुए देखे होंगे या कभी खाए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो पकोड़े वगैरह जो है उनके सेमी फ्राई रहते हैं, यानी कि इस तरीके से पकोड़े पड़े रहते हैं, आधे फ्राई रहते हैं, फिर अगेन वो उसे फ्राई करके जब भी कस्टमर डिमांड करता है वो दोबारा उसे तल के देते हैं। तो जो वो क्रिस्पी बन आता है वो घर के पकौड़ों में नहीं आता है। यही मेन ट्रिक इसमें रही है। जो भी गोलगप्पे बना रहे हैं हम लोग एक ही बार फ्राई करके निकाल रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो हमें इसे करना है दोबारा फ्राई। जैसे ये ठंडे हो जाए एक लॉट पूरा बना के आपने तैयार कर लेना है, और जैसे ही ठंडे हो जाए फिर हम अगेन इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ही ये ब्राउन कलर में आए तो हम इसे निकाल लेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए हमने अभी सिर्फ 4 गोलगप्पे ही डाले हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे करेंगे। लो फ्लेम अब हमने नहीं रखनी है, ना ही ये लो फ्लेम पे होंगे ना ही मीडियम फ्लेम पे होंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ये अब फ्राई होंगे। और इस तरीके से जाली या झालने पे आप इसे रखेंगे ताकि एक्सेस अगर ऑयल रहता है तो वो बाहर निकल जाए। अगर सेमी फ्राई जो है हमारे गोलगप्पे इन्हें अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें भी आपको प्रॉपर साउंड सुनाई देगा। आप इसे तोड़ के भी दिखाया मैंने आपको तो पूरा आपको वो क्रंची लगेगा, लेकिन ये जो पानी पूरी है ये रख नहीं सकते, सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में भी इसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ऑयली हो जाते हैं, जो मार्केट से आप गोलगप्पे खाते हैं वो इसी तरीके से डबल फ्राई ही होते हैं। तो डबल फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यही मेन ट्रिक है और यही मेन पॉइंट है। हमने करना है अभी से डबल फ्राई। सेकंड राउंड में आप जितने गोलगप्पे चाहे कढ़ाई भर के आप गोलगप्पे डाल के उसे दोबारा फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम बस आपने ध्यान रखना है हाई रहेगी। अब हमने लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। और जो बिल्कुल बाजार वाला कलर होता है ना डार्क ब्राउन ब्राउन वैसा कलर आ जाएगा। हमारे ये सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमने गिलासी से काटे थे यानी कि छोटे गिलास से काटे थे वो थोड़े से मोटे रह गए हैं। अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो पूरी तरह से ये भी क्रिस्पी है लेकिन थोड़ा मोटा है, और जो हमने हाथ से बेले थे वो बिल्कुल बारीक हैं और पतले हैं, बिल्कुल बाजार जैसा इसका लुक आया है। आप आगे से देखिए पीछे से देखिए और बिल्कुल उसी तरीके से टेक्सचर इसका आया है। तो इस प्रकार से आप भी गोलगप्पों को घर पे बना सकते हैं। अब बारी है पानी की बनाने की। हमारे ये पानी जो है वो उठ गए हैं, अब इन्हें हम हिला लेंगे। अगर आप आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये पानी भी आप घर पर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये पानी बन के तैयार होते हैं, और एक बार बना के आप इसे हफ्ता भर एंजॉय कर सकते हैं। हमने इसे करना है शेक, बहुत अच्छे से शेक करेंगे और इस पानी को हम छान लेंगे। सारा पानी हम नहीं लेंगे, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप लेंगे। तो मैंने यहाँ निकाला है इमली वाला पानी, और जो ये इमली है ये वापस हम इसी जग में डाल के और पानी डाल के रख देंगे। इस पानी को मैं एक अलग बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ और थोड़ा यही पानी मैं ले रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे ग्रीन पानी। तो जो आपने पानी का खट्टापन एडजस्ट करना है वो इमली वाला पानी डाल के ही करना है। लेकिन ये तो रहा घर का मेथड जो हम घर में यूज़ करते हैं। पानी जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बहुत ही डाइजेस्टिव पानी रहता है। तो हमने कोशिश ये करते हैं कि इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि जो टार्टरी है उसका कम से कम प्रयोग हो। मार्केट में जो मिलेगा इसी में नमक और पानी और नमक और उसके अलावा थोड़ा सा मसाला और टार्टरी डाल के एडजस्ट किया जाता है।
हमने इन्हें दोबारा पानी से भर दिया है। पानी से भरने के बाद अब हम इसे फ्रिज में फिर से रख सकते हैं और ये पानी आप इस तरीके से लेके यूज कर सकते हैं। आप इसे हफ्ता भर तक एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको गोलगप्पे खाने हो आप पानी को निकालिए और छानिए और इसमें और पानी डाल दीजिए। ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको प्रॉपर मिंट का फ्लेवर आ रहा है। मार्केट में जो रहता है वो इसी पानी को निकाल के खट्टापन, जो खट्टेपन की किक दी जाती है वो सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरिक के साथ दी जाती है, और जो तीखेपन की किक दी जाती है वो लाल मिर्ची का पाउडर रहता है। हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अगर आप इसे कई दिन तक यूज़ करते हैं तो जो हमने पानी पूरी मसाला बनाया था थोड़ा थोड़ा वो आप पानी में ऐड करते जाइएगा। अब मैं इसे रखूँगी अलग। अब हमारे पास ये दो पानी हैं, इन दोनों पानी में हम सिंपल पानी डालेंगे और आप इसके टेस्ट को एडजस्ट करेंगे, यानी कि आप इसका टेस्ट देखेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है, कि इस चीज़ की कमी है। नमक अगर कम लगे तो नमक ऐड करेंगे, अगर खट्टापन कम लगे तो इमली वाला पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हरा खट्टा पानी तैयार हो गया है। इन पानी को मैंने चार गिलासों में डाल लिया है। जो खट्टा पानी है उसमें हम डालेंगे बूंदी, फीकी बूंदी है। अब इसी से हम मीठा पानी बना सकते हैं। मीठा पानी के लिए हमें चाहिए सॉल्ट यानी कि इमली की चटनी, तो आप इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी। जो मीठी चटनी बनाते हैं मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। एक पार्ट इमली लेना है और तीन चार पार्ट आप इसमें, ये डिपेंड करता है आप कितना किस हिसाब से खटास खट्टा मीठा पसंद करते हैं। तीन या फोर टाइम्स आप इसमें चीनी डाल के पका के नमक मिर्च डाल के मीठी चटनी बना सकते हैं। तो ये हमारा मीठा पानी बन गया है। जो गोलगप्पे वाली शॉप रहती है वो हमेशा सॉल्ट अपने पास रखते हैं। जिसने भी मीठा पानी मांगा वो पानी में ही सॉल्ट को मिक्स करते हैं, इसे सॉल्ट कहा जाता है, और मीठा पानी तुरंत ही तैयार करके दे देते हैं। अब बारी है मसाले बनाने की। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है उबले हुए आलू और साथ में मैंने लिया है उबले हुए काबुली चने, थोड़ा सा लिया है मैंने प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। दो तरह की स्टफिंग मैं बना रही हूँ। तो हमने लेना है उबले हुए आलू, इसे थोड़ा थोड़ा हम मैश कर लेंगे। पूरी तरह से हमने इसे मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा हमने इसे मैश करना है। बहुत सी जगह पे तो सिर्फ आलू की ही स्टफिंग की जाती है, यानी कि आलू को हल्का मैश करके और उसे ही स्टफ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि खाली आलू को स्टफ करके कैसे खाया जाता है, तो इसके लिए जिसे चटपटा गोलगप्पा चाहिए उसे थोड़ा ग्रीन चटनी का टच दिया जाता है गोलगप्पे भरते हुए, और जिसे मीठा चाहिए उसे सौंठ का टच दे के भरा जाता है। तो हम एक जगह ले लेते हैं उबले हुए आलू, और यहाँ मैंने लिए हैं काबुली चने। अगर इनकेस आपको आलू की स्टफिंग पसंद नहीं है तो आप काबुली चने की स्टफिंग भी बना सकते हैं। थोड़े थोड़े हमने इसको भी मैश करने हैं, और प्याज खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें जाएगा हरा धनिया। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का टेस्ट पसंद है या आपके वहाँ किस तरह का टेस्ट मिलता है, आप उसी हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जाएगी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये नमक मिर्च जो है बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, और भुना हुआ जीरा। आप चाहें तो इसमें पानी पूरी मसाला जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पानी में ऑलरेडी तीखापन खट्टा मीठा सब टेस्ट है, तो स्टफिंग में हमें ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही सिर्फ चने की स्टफिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें भी आप आलू को भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि बिल्कुल आप पे डिपेंड है, आपको जो टेस्ट पसंद है आप उसी हिसाब से स्टफिंग बनाइए और कुछ कोई को एंजॉय कीजिए। तो इन गोलगप्पे को हम भरेंगे। यहाँ मैंने बनाया है आलू वाला, प्लेन आलू लिया है, इसमें डाली है मीठी सौंठ और साथ में जाएगा पानी, तो आप इसे पानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फटाफट से आ जाइए, गोलगप्पे तैयार है फ्रोलिक स्टेज के। ये हमारी सेकंड स्टफिंग वाला गोलगप्पे।
फ्रोलिक स्टेज के गोलगप्पे भर के तैयार हैं। अब आप भी आइए और इसे खट्टे पानी, मीठे पानी, हरे पानी, इमली के पानी के साथ एंजॉय कीजिए। आपने बस करना क्या है, पानी को शेक करना है और गोलगप्पे को भरना है और खाना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।